एवरी वन आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टूडेज न्यू वीडियो सो दोस्तों आज का डेट है ट्वेंटी फाइव मनडे एंड करेंटली टाइम इज इलेवन थर्टी वन एम सो आज के दिन मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट एंड ओवर व्यू पर एक बियरिश पोजिशन को क्रिएट किया गया है सो एटीन थाउजेंड पुट ऑप्शन यहाँ पर आज के दिन हमने बाय किया है ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव सेवन सो सेवेंटी फाइव हंड्रेड क्वान्टिटीज को आज के दिन यहाँ पर किया गया है सो so, इस पर्टिकुलर ओवरव्यू जैसे अभी तो मोमेंटम हो गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑन करने में थोड़ा सा टाइम वहां पर जाता है बाकी लेकिन जो ओवरव्यू शेयरिंग होता है कि मार्केट इज बियरिश बिलो सपोर्ट तो आज का जो एनालिसिस है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे बट जो ओवरव्यू आप सभी के साथ शेयर किया गया ये बियरिश बिलो दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को मेंशन किया गया सो एट द टाइम ऑफ ब्रेकडाउन इसे यहां पर शेयर किया गया अराउंड इलेवन डॉट ट्वेंटी टू ए एम इलेवन डॉट ट्वेंटी टू एम पे जब मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा था तो इंस्टेंटली ब्रेक के टाइम पर यहां पर शेयर किया गया ब्रेक के बाद मार्केट अगर छोटा टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर अगेन सेम लेवल को टेस्टिंग के के लिए आया ब्रेक बाद लो क्रिएशन अगेन टेस्टिंग एंड रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूशन यहाँ पर देखने को मिला है सो so, अभी कंटिन्यूसली मार्केट इज सेलिंग ऑफ सो प्रॉफिट भी यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है एंड करेंट पेनल इज अराउंड टू लैख रुपीज सो so, आज का ट्रेड एक हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड है 7500 क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया गया है तो जो इस ट्रेड का रिस्क है वो भी इस ट्रेड में हायर था आज के दिन तो अराउंड 70 टू 75,000 का रिस्क इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्लान किया गया सो so, देखिए तीन तरह की एंट्रीज होती हैं एक एंट्री होता है एग्रेसिव एक थोड़ा मिड कंजर्वेटिव और एक कंजर्वेटिव तो आज का एंट्री यहां पर एग्रेसिव बेस पर प्लान किया गया है so, सो सबसे पहले अगर मैं एंट्री को मार्क करूं तो 94.57 सो रिजेक्शन एंट्री को आज के दिन यहां पर प्लान किया गया है एंट्री अगर देखेंगे ऑप्शन चार्ट पर सो दिस इज आवर ऑप्शन चार्ट एंड अगर आप प्राइसेस ऑब्जर्व करेंगे तो छोटा टाइम फ्रेम या सबसे पहले फाइव मिनट में भी अगर देखेंगे तो मार्किंग टूल से यहां पर मैं मार्क करूंगा एवरेज प्राइस इज नाइंटी सो so, का प्राइस यहां पर आता है तो रिजेक्शन एंट्री को प्लान किया गया है। तो रिजेक्शन एंट्री में क्या होता है रिस्क ज्यादा होता है एग्रेसिव होती है और एग्रेसिव में इसलिए स्टॉप लॉस फिर थोड़ा बड़ा रखा जाता है तो टेन पॉइंट्स का भी अगर एसेल यहाँ रखते हैं तो इट्स का रिस्क मतलब कितना हो जाएगा अराउंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज तो आज का ट्रेड में रिस्क अगर बाकी ट्रेड से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा है तो ये 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 होती है है। कि weakness था market में weakness के के पर rejection पर entries को पर 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 को किया गया है। so, rejection अगर देखेंगे रेजिस्टेंस तो ये ये जब मार्केट फेस किया है इसके बेस पर शॉर्टिंग पोजिशन को बनाया गया है so, overall, overview देखेंगे तो आज के दिन मार्केट बियरिश या वीकनेस को इस पर्टिकुलर जोन में शोकास्ट किया है तो इस बेसिस पर रिजेक्शन पर एंट्री बनाया गया अब एक तो देखिए रिजेक्शन होता है दूसरा कन्फर्मेटरी एंट्री होता है, है, है।, है, तो हो है विदेस्ट एसिल सो यहां पर ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे तो ये तो एग्रेसिव एंट्री हो गई इसके बाद कन्फर्मेटरी कन, एंट्री होती है इस पर्टिकुलर सपोर्ट ब्रेकडाउन पर तो सपोर्ट ब्रेकडाउन अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर जो ओवरव्यू है कि मार्केट सपोर्ट लिया अगेन बाइंग साइड बाउंस हुआ तो यह सपोर्ट ब्रेक पर क्या होगा मिड कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव एंट्री होगी एंड एंट्री होगा सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद जब छोटा टाइम फ्रेम हमने देखा मार्केट टेस्टिंग के लिए आया एंड अगेन सेलिंग ऑफ तो ब्रेकडाउन के पॉइंट पर या ब्रेकडाउन के बाद वाला एंट्री कंजर्वेटिव एंट्री होता है एंड ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड भी यहां पर हाईली कंफर्म हो जाता है ऑफ द सेलिंग साइड सो so, जो भी लोगों ने वीडियो कोर्स को चेकआउट किया है वो लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि एग्रेसिव एंट्री यहाँ पर बनाया गया है एंड कन्फर्मेटरी एंट्री कब होता है जब ओवरव्यू राइट प्रूव हो जाए तो बियरिश बिलो सपोर्ट तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है ओवरव्यू जो इस पर्टिकुलर ट्रेड का है वो यहाँ से कन्फर्म हो गया है तो अब जो फर्दर ऑब्जर्वेशन है ओवरऑल मार्केट बिहेवियर या सेंटिमेंट दिखेंगे तो ओवरऑल मार्केट का जो बिहेवियर है वो यहाँ पर बियरिश है बियरिश किस बेस पे कहा जा रहा है कॉज मार्केट आप अगर देखेंगे तो ये मेजर रेंज था हायर लोस क्रिएशन के साथ मार्केट अगेन एंड अगेन टेस्टिंग करके ब्रेकआउट किया बट ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया सो so, इस दिन ब्रेकआउट आया क्लोजिंग सस्टेन हुआ ओपन हुआ और फिर फर्दर मार्केट स्ट्रेंथ कंटिन्यू ही नहीं कर पाया स्ट्रेंथ के साथ ओपनिंग हुआ बट यहाँ फिर वीकनेस आया तो इस दिन भी आई गैस हमारा एक शॉर्टिंग पोजिशन था नहीं इस दिन एग्जीक्यूशन नहीं था प्रीवियस डे था एंड लास्ट इस ट्रेडिंग सेशन में था सो करेंट मार्केट ओवरव्यू देखेंगे तो मार्केट बाइंग साइड पर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं कर पाया है एंड नेक्स्ट डे भी ओपनिंग देखेंगे तो मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड अगेन पुश हुआ बट अगेन स्ट्रेंथ को यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया है सो so, आज के दिन भी व्यूअर्स देखिए सेम कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग पॉजिटिव था अगेन मार्केट ट्राइड टू बाउंस बैक कि ये मेजर लेवल है तो मार्केट ट्राइड टू सस्टेन बट आज का बिहेवियर देखेंगे तो वही सेम बिहेवियर है जो इस दिन हुआ प्रीवियस डे पर जो उसके पहले सिक्सटीन फेब को हुआ कि मार्केट बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया है हर एक दिन पर बट इसके बाद क्या हुआ स्ट्रेंथ कंटिन्यू नहीं हो पाया तो ऐसा सिक्सटीन फेब को भी हुआ सेवनटीन फेब को भी हुआ एंड आज का ट्रेड भी सेम ऑब्जर्वेशन पर बनाया गया है मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड तो पुश हुआ है आफ्टर रेजिस्टेंस क्रिएशन बट मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखा है आफ्टर बाइंग स्विंग मार्केट में हैवी सेलिंग पोजिशन को बनाया जा रहा है सो so, इसी बेसिस पर आज के दिन एग्रेसिव बेसिस पर एक शॉर्टिंग पोजिशन को क्रिएट किया गया है सो करेंटली मार्केट आफ्टर दी एंट्री सेम रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने यहां पर आ रहा है तो देखिए जिस तरह का मोमेंटम है या पैनिक सेल ऑफ है उसमें काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि अकॉर्डिंग टू द गलत तो कुछ भी हो सकता है मार्केट ऑब्जर्वेशन ये भी रॉन्ग प्रूफ हो सकता है स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो सकता है मार्केट में बाइंग साइड का रिवर्सल आ सकता है बट वी एग्जीक्यूट ऑन प्रोबेबिलिटी तो जो करेंट मार्केट सिनेरियो है तो देखिए उसमें एक हाई प्रोबेबिलिटी है मैं हाई प्रोबेबिलिटी कहता हूं तो वो भी समटाइम्स विल गेट रॉन्ग 100 परसेंट कुछ भी नहीं है बट जो करेंट सिनेरियो आप देखेंगे पैनिक सेलिंग आ रहा है मॉर्निंग में भी ओपनिंग sell मोमेंटम तो है पैनिक मोमेंटम है ऑफ द सेलिंग साइड ये वाला हो गया चाहे ये वाला है एंड अगेन इसके बाद यहाँ तो सपोर्ट सस्टेन हुआ अगेन पैनिक आ गया तो ये ब्रेक डाउन का कन्फर्मेशन होता है तो इसके बाद देखिए रिवर्स तो मार्केट यहीं से कर गया है तो जो हाई प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट रिवर्सल ज्यादा यहाँ पर नहीं करेगा तो दिस इज दी हाई प्रोबेबिलिटी अगेन जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ऑप्शन चार्ट भी यहाँ पर काफी तेजी से कॉल आउटपुट ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर बाइंग साइड पर प्रोसीड करेगा सो so, इसी लो ब्रेक पर हमारे टारगेट्स या प्रॉफिट हैविली इंक्रीज होंगे तो बेस्ट ऑप्शन बिहेवियर क्या होगा कि आफ्टर दिस सपोर्ट ब्रेक डाउन ट्रेलिंग मेथड पर हम एग्जिट्स को प्लान करेंगे

सो करेंटली मार्केट इज अबाउट टू ब्रेक और ब्रेक इसको कर चुका है बट मोमेंटम सडन पैनिक यहां पर ऑब्जर्व करने को नहीं मिला है सो वी आर वेटिंग फॉर अडन डाउन साइड ब्रेक डाउन एंड जैसे ही आएगा तो फर्दर फिर हम ऑर्डर को यहाँ पर ट्रेल करेंगे सो लेट्स वेट एंड ऑब्जर्व ओके सो करेंट पी एन एल अराउंड टू लैक नाइनटी थाउजेंड रुपीज अगर थ्री लैक्स ,00 का टारगेट हमारा अचीव होगा तो हम डायरेक्टली ऑर्डर्स को यहां पर लो पॉइंट्स पर एग्जिट करेंगे सो अराउंड करेंटली टू लैक सेवेंटी एट थाउजेंड रुपीज पैनिक या सडन सेल ऑफ आने लगा है ओके सो एज वी कैन सी प्राइसेस पूरा यहाँ पर रिवर्स हुआ है कि कंटिन्यूस मोमेंटम में तो मार्केट ऑर्डर पर यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे सो वी हैव एग्जिटेड आवर पोजीशंस इन टूडेज ट्रेडिंग सेशन एंड वी हैव बुक्ड अराउंड टू लैक इन दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन सो देखिएगा अगेन एंड अगेन जो बिहेवियर है वो पैनिक सेल ऑफ का मार्केट्स में देखने को नहीं मिला है कि अगेन एंड अगेन मार्केट इज सेलिंग ऑफ एंड अगेन एंड अगेन सपोर्ट बिहेवियर पर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो ऐसे केसेस में देखिए जैसे मैंने रिपीट किया क्या एक्सपेक्टेड होता है कि या तो अब फर्दर सपोर्ट ब्रेक डाउन पर हैविली पैनिक सेल ऑफ ही हो जाएगा और या फिर तो जो बाइंग साइड का पुल बैक होगा उसका पेस ऑफ मोमेंटम वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होगा तो काफी सडन मोमेंटम में वी विल बी लूजिंग द अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड सो दिस वॉज द ट्रेड फॉर टूडे की अगर फ्रॉम द मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फाइव मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करूंगा ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल आज के दिन शेयर किया गया था कि वी आर बियरिश बिलो दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल तो एक काफी अच्छा सेलिंग मोमेंटम इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के नीचे यहाँ पर देखने को मिला है एंड इसी ओवरव्यू एक्सपेक्टेशन पर वी हैव बुकड अराउंड टू लैक फोर्टी थाउजेंड रुपीज सो टेलीग्राम चैनल पर इसे ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ही यहां पर शेयर किया गया अराउंड अरावन डॉट ट्वेंटी इस ओवरव्यू को जो भी मेरे लाइव मार्केट ट्रेड्स होते हैं उसका ओवरव्यू शेयर किया जाता है सो so, जैसे कल का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे या लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था उसे भी इलेवन पर अपडेट किया गया कि वी आर बियरिश बिलो सपोर्ट तो so, ये सपोर्ट मार्किंग था इसके बाद देखेंगे काफी अच्छा मोमेंटम सेलिंग साइड का सपोर्ट ब्रेक के बाद देखने को मिला तो इसमें भी बुक अराउंड टू लाख रुपीज और पीछे देखेंगे तो इस दिन ऐसा था हमारा कि बुलिश अब, अब रेजिस्टेंस था मोमेंटम भी हुआ बट रिवर्सल में फिर जैसे कि हमारा ट्रेलिंग मेथड होता है कि वन रेशो थ्री नहीं आया तो फिर हम उसमें स्टॉप लॉस को बुक करेंगे तो मोमेंटम हुआ बट रिवर्सल पर फिर हमने स्टॉप लॉस यहां पर बुक किया उसके पहले ओवरव्यू देखेंगे तो बुलिश अब, अब रेजिस्टेंस था फोर्टीन फाइव इलेवन तो ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद एक काफी अच्छा पैनिक मोमेंटम मॉर्निंग सेशन का देखने को मिला तो देखिए जो ओवरव्यू शेयर किए जाते हैं वो बेसिस पर शेयर होता है कि हमारा मॉर्निंग का मेजर मोमेंटम कि फर्स्ट हाफ सेशन का मेजर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा उसके लेवल्स को शेयर किया जाता है सो so, सेम जो मेरा ट्रेड लाइव मार्केट का पोस्ट होता है वीडियो पोस्ट होता है तो उसी का सेम सिंगल ट्रेड का ही अपडेट वहां पर दिया जाता है सो so, टेलीग्राम चैनल को आप लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड रिसेंटली वी हैव लॉन्च कोर्स ऑलो जो एट आवर्स कामेशन आ गया बट एक्शन इसके पहले कौन सी एंट्री मेथड पर लिया जाता है सो so इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया गया है एंड जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली कई सारी लर्निंग विडियोज का अपडेट आप सभी को मिलता रहे So see you all in the next video. Till then, bye to all and see ya.